हाय, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टरों को सवाल सता रहा है कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसका सिंपल सा आंसर देता हूँ। बैंक का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है कि जहाँ पे कस्टमर आते हैं वो अपना सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे वहाँ पे जमा करते हैं और उस पैसे को बैंक आगे लोन पे देता है किसी बिजनेसमैन को या फिर उसको कहीं री इन्वेस्ट करता है और इससे बैंक पैसे कमाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि यस बैंक में जो कांड हुआ उसके बाद क्या आप यस बैंक में अकाउंट खुलवाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर आप ही सोचिए कि कंपनी की ग्रोथ किस तरह से होगी। ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे तो कंपनी अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करके किस तरह से पैसे कमाएगी? तो ऐसी कंडीशन में कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अपने शेयर होल्डर को रिटर्न किस तरह से देगी? और मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जब आपके पास HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक जैसा इन्वेस्ट करने का मौका है तो आप फिर यस बैंक में क्यों जाना चाहते हैं? तो इसके आर्ग्यूमेंट में कई लोग कहते हैं कि यस बैंक के एक शेयर का प्राइस 12 रुपए या 15 रुपए जबकि एक्सिस बैंक का प्राइस 800 रुपए, ICICI बैंक का 900 रुपए जबकि HDFC बैंक का 1600 रुपए। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपके घर में शादी हो तो सोने का प्राइस 5 लाख रुपए पर केजी और लोहे का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सोना। तो फिर आप अपनी हार्ड वर्क करके जो अर्न की हुई मनी उसके साथ क्यों ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं? उसको क्यों ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि बहुत रिस्की है? हालांकि यस बैंक के फाइनेंशियल की बात करूं तो राणा कपूर ने जो कांड किया उसके बाद बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। हालांकि जो अभी का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज कर रहा है लेकिन इसको कई साल लग जाएंगे इसको बैलेंस करने में। सो प्लीज आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल और अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।